हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस न्यूज की वजह से ऑलमोस्ट सारा इंडिया, स्पेसिफिकली वो जो यूएस ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी वीजा पे, वो लोग बहुत परेशान हैं। अभी पिछले हफ्ते से हमने देखा हो, कुछ दिनों से हमने देखा हो, सुना हो, कई लोग यूट्यूब वीडियो भी बना रहे हैं, कई लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं कि अब एटलीस्ट 2-3 साल तक किसी को कोई वीजा स्लॉट्स नहीं मिलेंगे। 500 डेज का वेटिंग है, 1000 डेज का वेटिंग है, 600 डेज का वेटिंग है। ठीक है, मैं भी समझती हूँ यूएस ट्रेवल डॉक्स पे ये चीजें दिखाई जा रही हैं, कहीं पे 500 डेज का वेटिंग दिखा रहे हैं, कहीं पे 400 डेज का वेटिंग दिखा रहे हैं, तो कहीं पे 2 दिन का वेटिंग भी दिखा रहा है। जरूरी नहीं है। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर भी कई बहुत लंबी लंबी वेटिंग दिखा रही थी, बट स्लॉट्स खुले थे, राइट? ये हमने भी देखा है। हाँ, जनवरी से अगर हम बात करें तो अप्रैल तक नहीं खुले थे, बट मई 15 के बाद बहुत स्लॉट्स खुले थे और उसमें बल्क ओपनिंग में बहुत लोगों ने स्लॉट्स की बुकिंग भी की है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, यही समझाना चाहती हूँ कि इतना ज्यादा स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्लॉट्स खुलेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं स्टूडेंट वीजा की बात करूँ, आपको पता है अभी जनवरी इनटेक आने वाला है। अगर आपके वीजा ही नहीं लगेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी क्यों एंटरटेन करेगी? वो आपको ऑफर लेटर क्यों देगी, I-20 क्यों देगी? वीजा स्लॉट्स खुलेंगे तभी तो ये चीजें हो रही है। और I-20 ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी से आ जाती है, सारा कुछ कोऑर्डिनेशन में चलता है उनकी गवर्नमेंट के साथ। तो उस आप ये चीज सोचिए कि अगर हमें I-20 आ रही है तो हमारा आगे का प्रोसेस भी होगा, जरूर होगा, वीजा स्लॉट्स हमें जरूर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा हमें अटेंटिव रहने की जरूरत है कब स्लॉट्स खुल रहे हैं, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि ज्यादा बल्क ओपनिंग्स होती हैं। एकदम पहले कैसे होता था कि आप जब लॉगिन करो आपको यूजुअली स्लॉट्स मिल ही जाते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब बल्क ओपनिंग्स होती है और महीने में 2 बारी हो गई, 3 बारी हो गई और उसी में हमें स्लॉट्स बुक करने होते हैं, जिसकी प्रायर नोटिफिकेशन किसी ना किसी तरीके से एम्बेसी हमें दे ही देती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं जो बाकी वीजाज हैं उनके ऊपर। हाँ, उनके लिए मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जहाँ आपने इतना टाइम वेट किया है, पिछले साल से अभी तक आपने वेट किया, इस महीने भी थोड़े बहुत स्लॉट्स खुले थे। अगर मैं टूरिस्ट की बात करूँ या वर्क की बात करूँ या बाकी जो भी वीजा होते हैं कैटेगरीज, उन सबके स्लॉट्स ओपन हुए थे, आगे भी होंगे। सितंबर में भी कुछ न्यूज है कि थोड़े बहुत ओपनिंग्स हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे लीक्स हैं जहां पे हमें पता चला है कि सितंबर में भी अभी बल्क ओपनिंग्स हो सकती हैं बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ वीजास की। तो स्ट्रेस मत लीजिए, अपने पोर्टल पे नजर रखिए कि कब आपके स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं। तो हमें बस अब एक ही चीज करने की जरूरत है, जो है अटेंटिव रहने की, या फिर किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए और उनसे कंसल्ट करने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि स्लॉट ओपनिंग कब होगी कब नहीं होगी। अगर मैं बताऊं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो हमें वेट करना है, हमें देखना है कब स्लॉट्स ओपन होंगे। और स्टूडेंट वीजा के तो डेफिनेटली होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको वीजा स्लॉट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर नहीं मिलने होते आपका I-20 भी इशू नहीं होता। अब I-20 इशू हो रहा मतलब आपको स्लॉट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो अगर आप जनवरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे application02@meridian.org में फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए। आई होप जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो डिस्कशन मैंने आपके साथ की है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी यूजफुल रही होगी। ऐसी और यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।